हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा हो गई है बकचक, क्योंकि वो कल लेकर के आए रात में कटहल और मुझे बोल रहे कटहल की सब्जी बनाना। मैं बोली ठीक है मैं बना दूंगी, तो बोलते नहीं पुराने वाले तरीके से जैसे पहले बनाती थी कट करके फ्राई करके मसाले वाली सब्जी मुझे नहीं खानी है, मुझे काफी अलग तरीके का सब्जी खाना है। एक ही तरह का तुम बना बना के मुझे बोर कर दी हो। फिर मैं बहुत देर तक सोचते रहूं कि कटहल की सब्जी और किस तरीके से बन सकती है, चॉप करके ही बनती है रेगुलरली। फिर बहुत सोचने के बाद एक नया डिश मुझे आया दिमाग में, जो कि मेरा मानना यह है कि यूट्यूब में बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं है, मेरा वीडियो फर्स्ट है जो यूट्यूब में जाएगा इस तरीके से कटहल की सब्जी बनाना। तो ऐसा कह सकते हैं कि यूट्यूब के लिए ये एक चैलेंज भी होगा। तो आइए फ्रेंड्स, बनाते हैं कटहल की न्यू तरीके की सब्जी, जो ना ही कभी आप लोग खाई होगी और ना ही कभी इस बारे में सुनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कटहल की सब्जी बनाना। ये मैं 600 ग्राम कटहल ली हूँ और इसका एक ऐसा नया, बिल्कुल नया रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आज तक के पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। आप लोगों को किसी भी चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा में कहीं ये वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो हो गया ना काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा डिफरेंट रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कटहल की सब्जी बनाना। सब्जी नहीं कहेंगे इसे, हम कहेंगे कटहल की न्यू रेसिपी बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ 600 ग्राम कटहल ली हूँ फ्रेंड्स, इसे हमें छील कर अच्छे से कट कर लेना है। आप लोगों को लगता होगा कटहल को काटने में काफी ज्यादा टेंशन प्रॉब्लम आती होगी, बिल्कुल भी नहीं। काफी इजी प्रोसेस है कटहल को कट करने का, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम कटहल को कट कर लेते हैं। कटहल को कट करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है हाथ में आप बिल्कुल अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर लें। उससे जब भी आप कटहल कट करेंगे ना, तो आपका हाथ चिपचिपा नहीं होगा, क्योंकि कटहल से एक चिपचिपा केमिकल निकलता है जो हमारे हाथ को या हमें काटने में डिस्टर्ब भी करता है और हाथ में चिपचिपापन भी आता है। तो अगर आप ऑयल लगा लेंगे तो बिल्कुल भी आपका हाथ चिपचिपा नहीं होगा और आप इजीली इसे कट कर लेंगे। तो आपको कटहल को पहले दो टुकड़ों में कट कर लेना है और साथ ही इस तरीके से वापस दो टुकड़ों में कट करके आपको इसके छोटे छोटे इस तरीके से कट कर लेना है पीसेस। बिल्कुल छोटे क्यूब्स में कट नहीं करना है। इस तरह से कट करने के बाद बीच बीच में आप हाथ में ऑयल अप्लाई करते जाएं और इसका हमें इस तरीके से छिलका निकाल लेना है। आप ऐसा कोशिश ना करें फ्रेंड्स कि सारे कटहल का छिलका एक बार ही निकाल लें, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे आप लोगों को। बस इस तरीके से आपको छिलका इजीली निकाल लेना है। सारे कटहल को हम इसी तरह से छिलका निकाल लेंगे फ्रेंड्स, और इसे हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है, बस इस तरीके का शेप में ही रखना है जैसे मैं रखी हूँ, देख सकते हैं आप। अब इसे एक बार आप अच्छे से धो लें। अब इसे हम कर देंगे एक कुकर में ट्रांसफ़र बॉयल करने के लिए, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 कप पानी और 1/2 टेबल स्पून नमक। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे हाथ में बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं हुआ है। पानी और नमक ऐड करने के बाद इसे हम बंद करके और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 2 सीटी आने तक पका लेना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप चाहे तो इस प्रोसेस को भगोने में या पतीले में या कढ़ाई में भी कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स कुकर में करने से क्या होता है जल्दी पक जाता है, इसलिए मैं कुकर में कर रही हूँ। अब इसे 2 सीटी लग गए, देखिए जब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम मसाले तैयार कर लेते हैं। 8 से 10 कलियां लहसुन ले लेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 इंच अदरक, 8 से 10 काली मिर्च और 4 लौंग। इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा कटहल बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है, बिल्कुल इजली ये मैश हो जा रहा है। अब इसे एक हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरीके से ईमानदस्ता से इसे हमें कूट लेना है। मतलब इसका हमें बिल्कुल बारीक कूट लेना है फ्रेंड्स, इस तरीके से। जैसा कि देख सकते हैं ये इजली कूट जा रहा है, इसलिए मैस हो जा रहा है। तो आप इसे मैसर से भी मैस कर लेंगे तो इजली मैस हो जाएगा फ्रेंड्स। सारे कटहल को यहाँ मैस कर ली हूँ। अब हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से उसे कर लेंगे गर्म और इसमें ऐड कर देंगे 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी दालचीनी, 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1 तेज़पात। जैसे ये चटक जाए इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैं इस तरह से कट कर ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल सुनहरा कलर आते तक हम इसे फ्राई कर लेंगे।
ये प्रोसेस को ध्यान रखें फ्रेंड्स, प्याज को बिल्कुल अच्छे से यहाँ भूनना है आपको इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं प्याज हमारा भुन चुका है यहाँ। अब हम ऐड कर देंगे जो पेस्ट था हमारा अदरक लहसुन काली मिर्च का, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। और इसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, साथ ही इसमें ऐड कर दें आप धनिया पाउडर। मैं यहाँ 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, इससे ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, धनिया से आपके मसाले अच्छे होते हैं, इसलिए मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही हम यहाँ ऐड कर देंगे काश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, और इसके साथ यहाँ पे आप ऐड कर दें हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अब यहाँ हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अब इसे हमें बिल्कुल अच्छे से भून लेना है, और इसके साथ ही यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं टमाटर, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर ली थी जिसे मैं रफली चॉप कर ली हूँ, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। और मसाले को बिल्कुल अच्छे से आपको भूनना है और साथ ही मसाले को पकाना भी है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे लेड लगा देंगे, एक बार बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे लेड लगा के हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे मसाले को। उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से पकते हैं ना तो आपके कोई सी भी सब्जी में 4 चांद लग जाता है। 1 मिनट बाद देख सकते हैं हमारे मसाले बिल्कुल यहाँ अच्छे से भून रहे हैं, पर अभी इसे और हल्का भूनना पड़ेगा, इसलिए एक बार लेड लगा के मैं इसे 30 सेकेंड्स के लिए और मसालों को पका लूँगी। देख सकते हैं मसाले का कलर कितना अच्छा आया है यहाँ पे, और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस एक बार ना आप इस तरीके से अपने घर पे कटहल की सब्जी ज़रूर ट्राई करें, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे घरों पे तो सभी को काफ़ी पसंद है। ये मसाला भुन चुका है हमारा, अब जो मैं कटहल को ना ग्रेट करके रखी थी, मतलब मैश करके रखी थी, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और इसे हमें 2 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से भून लेना है, ताकि ये जो हमारा मसाला है ना कटहल में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और खाने में चटपटा सा टेस्ट आए। अब एक बार वापस से लेड लगा के हम इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि ये जो मसाला है वो कटहल में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही यहाँ पर हम गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे धनिया का पत्ता, जिसे मैं अच्छे से चॉप कर ली हूँ बारीक, और एक बार इसे मिक्स करते हुए यहाँ हमारा कटहल का न्यू डिश बनकर रेडी है फ्रेंड्स। क्या आप लोग कभी ऐसा कटहल के सब्जी खाए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा किन लोगों ने खाया है और किन लोगों को आज तक इसके बारे में पता भी नहीं था। तो फ्रेंड्स इसे हम कटहल का कीमा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स था ना काफ़ी नया तरीका, किन किन लोगों ने इस तरीके से खाई है कटहल मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किन लोगों ने नहीं खाई है, किन लोगों को ये नई रेसिपी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कुछ यूनिक, जैसा कि मैं हर बार लाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।